सातोरु गोजो वॉज रियली द ऑनर्ड वन। सो भाई आज मैं आपको वीडियो में कोई भी प्रीव्यू नहीं देने वाला कि चैप्टर में क्या होने वाला है, डायरेक्ट हम चैप्टर को देखेंगे, जिससे भाई काफी सारे लोगों को मजा आएगा, काफी सारे लोग डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हैं, काफी सारे लोगों का दिल भी टूटने वाला है और काफी सारे लोग तो खुशी भी मना रहे होंगे। सो चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे चैप्टर की शुरुआत होती है गोजो और गेटो के एक फ्लैशबैक से, जहाँ पे वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। पर पहले जैसे ही गोजो गेटो को देखता है वो काफी सरप्राइज होता है, तो गेटो उससे कहता है तू ऐसा मुंह क्यों बना रहा है, ये काफी रूड है। जिसको सुन के गोजो कहता है मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि जब तुम मर जाते हो तब तुम अकेले रह जाते हो, होप करता हूँ ये मेरी बस इमेजिनेशन हो। सो गेटो कहता है अरे यार इससे किसको फर्क पड़ता है। तो गोजो यहाँ पे रिप्लाई देता है मुझे तो फर्क पड़ता है, जिसके बाद गोजो अपने फादर के बारे में बात करने लगता है, पर उसकी ये बात यहीं पे इंटरप्ट हो जाती है और वो आगे बात नहीं करता और वो यहाँ पे इस बात को ये कह के छोड़ देता है कि मैंने ये सारा मैटर अब शोको पे छोड़ दिया है। वेल, आप सबने डाइवर्ट तो सुन ही लिया होगा। सो यस भाई, असल में ये कोई फ्लैशबैक नहीं चल रहा है बल्कि ये है गोजो की आफ्टर लाइफ। अब मुझसे मत पूछना चैप्टर में क्या हुआ, वो आगे हम चैप्टर में देखेंगे, बट अभी सच में गोजो अपनी आफ्टर लाइफ में है और यहाँ पे वो गेटो से मिल रहा है। अब या तो ये उसकी इमेजिनेशन है या फिर जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में सही में जो लोग मर जाते हैं उनकी सोल में भी आपस में मिल सकती होगी, पर मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है और मे बी गोजो यहाँ पे बस ये सोच रहा होगा। इससे पहले कि हम चैप्टर में आगे जाएं, आखिर ये गोजो का फादर कौन है और यहाँ पे गोजो किसकी बात कर रहा है और आखिर गोजो ने शोको को भाई क्या संभालने के लिए दिया है? क्या ऐसा है कि गोजो के फादर अभी भी जिंदा है या फिर गोजो के फादर की पावर्स अभी भी कहीं पे स्टोर्ड हैं या फिर गोजो के फादर का एक वेसल अभी भी कहीं पे रखा हुआ है जिसको मे बी यूजी अपनी सोल स्वैप टेक्निक को यूज करके यूज कर सकता है? मे बी मुझे लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर क्योंकि यहाँ पे गोजो ने अपने फादर की बात करी है तो भाई कुछ ना कुछ तो हमें देखने को जरूर मिलेगा गोजो की फैमिली और उसके पास्ट से रिलेटेड। जिसके बाद इस आफ्टर लाइफ की बातचीत में गेटो गोजो से पूछता है आखिर किंग ऑफ कर्सिस कैसा था, जिसका भाई गोजो यहाँ पे रिप्लाई देता है कि जो किंग ऑफ कर्सिस यानी कि सुकुना था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने अपने फुल पावर्स को भी यूज नहीं किया था मेरे अगेंस्ट। और यहाँ पे गोजो ये तक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर वो मेगुमी की कर्स टेक्निक यूज नहीं करता तब भी मैं उसे हरा पाता। जिसको सुन के भाई यहाँ पे गेटो भी काफी ज्यादा शॉक था कि ऐसा बंदा जिसको भाई अपने आप में काफी ज्यादा प्राइड है वो यहाँ पे ऐसी बातें कह रहा है अपने अपोनेंट के लिए। जिसके बाद गोजो यहाँ पे ये भी कहता है कि मैंने अपना पूरा दिया, अपना बेस्ट दिया, अपनी जो भी टेक्निक हो सकती थी वो यूज करी, अपनी सारी फिजिकल पावर्स को यूज करा। मैं चाहता था कि मेरी ये जो पावर्स हैं वो सुकुना तक रीच करें, मुझे पता नहीं कि ये रीच कर पाई होंगी या फिर नहीं, पर मैं होप करता हूँ कि ये रीच जरूर कर पाई होंगी। क्योंकि भाई हमने पहले भी कई बार ऐसी लाइंस देखी हैं जहाँ पे भाई बातचीत हो रही थी कि कैसे गोजो और सुकुना काफी स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर है और उनको भाई काफी अकेलापन महसूस होता है, और यहाँ पे कई बार लाइन भी ऐड हुई थी कि जो इस अकेलेपन को भरेगा वो गोजो के केस में सुकुना था और सुकुना के केस में गोजो था। तो यहाँ पे गोजो उसी चीज के बारे में बात कर रहा था। तो भाई यहाँ पे गोजो के मुंह से सुकुना की इतनी तारीफ सुन के गेटो थोड़ा जेलस फील कर रहा था, पर उसे यहाँ पे लगा कि अगर गोजो सेटिस्फाइड है इस रिजल्ट से तो वो भी खुश है यहाँ पे। जिसके बाद भाई गोजो एक और लाइन ऐड करता है जिसको सुन के भाई एकदम दिल पिघल गया, जहाँ पे गोजो गेटो से कहता है अगर तुम वहाँ पे होते तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता क्योंकि तुम मुझे मोटिवेट करते और मैं और ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर पाता। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते कि गोजो और गेटो बस यहाँ पे नहीं है बल्कि उनके साथ नानामी और हाइबारा भी यहाँ पे होता है, जहाँ पे वो चारों आपस में मिलके बैठ के बात कर रहे होते हैं क्योंकि भाई इन चारों की डेथ हो चुकी थी और ये चारों आपस में काफी क्लोज थे। तो यहाँ पे भाई गोजो उन्हीं के बारे में सोच रहा था कि आफ्टर लाइफ में मैं इन्हीं से बात कर सकता। तो यहाँ पे गोजो उन सब लोगों से कहता है चलो मैं एक बात के लिए खुश हूँ कि मुझे सुकुना ने मारा जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है या फिर एक कर्स है, मैं बूढ़ा होने की वजह से या फिर किसी डिजीज की वजह से नहीं मरा, ये बात मुझे काफी अच्छी लगी। जिसको सुन के भाई यहाँ पे नानामी गोजो की बेइज्जती मारता है क्योंकि भाई गोजो तो यहाँ पे ऐसे बात कर रहा है जैसे वो कोई समुराई जनरल हो, और यहाँ पे नानामी ये तक कहता है कि मैंने जब गेटो से एक बार बात करी थी तो उसने मुझे बताया कि जो गोजो है उसको भाई सॉर्सरी इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता बल्कि भाई गोजो इस सॉर्सरी वर्ल्ड के अंदर बस अपनी फाइट को एंजॉय करने के लिए है और गोजो एक तरीके का परवर्ट है। तो भाई यहाँ पे हाइबारा भी ऐड करता है हाँ ये बात तो सब कहते हैं इसमें नया क्या है। जिसके बाद नानामी यहाँ पे गोजो के लास्ट मोमेंट के बारे में कहता है और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लास्ट मोमेंट से सेटिस्फाई नहीं हूँ पर मैं तुम्हारे लिए सिंपथी फील करता हूँ। तो गोजो यहाँ पे उसको शुक्रिया कहता है और उसे पूछता है आखिर तुम्हारा लास्ट मोमेंट कैसा था। यहाँ पे भाई नानामी इस क्वेश्चन का भाई कोई सिंपल आंसर नहीं देता
बल्कि वह कहता है, मैंने एक बार मे से पूछा था, जिसका मे ने रिप्लाई दिया, या तो तुम नॉर्थ मूव करो जहाँ पे तुम अपने नए सेल्फ को ढूंढ पाओ, या तो तुम साउथ मूव करो अगर तुम अभी जैसे हो वैसे तुम रहना चाहते हो तो। तो भाई यहाँ पे नानामी के वर्ड से कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया यहाँ पे उसने, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि नानामी बस यहाँ पे ये कहना चाहता होगा कि उसकी जो डेथ है वो एकदम सिंपल रही, यानी कि वो जो करना चाहता था वो करके मरा है और वो अपनी डेथ से यार थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड है। जिसके बाद भाई फाइनली इन सब की बातचीत खत्म होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि गोजो बस इन चारों के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि गोजो के आसपास और भी कई लोग थे जैसे कि यागा, कुरोई और रीको। तो भाई यहाँ पे फाइनली गोजो उन सबको बाय बोल के चले जाता है, यानी कि ऐसा सीन है कि गोजो आफ्टर लाइफ में जाने से पहले कुछ लोगों से मिल रहा था और उनसे बातचीत कर रहा था कि उसकी लाइफ कैसी थी, और यहाँ पे उसकी जैसी बातचीत खत्म हुई तो यहाँ पे वो उन सबसे मिल के आफ्टर लाइफ में चले जाता है। जिसके बाद फाइनली भाई सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि गोजो जमीन में पड़ा हुआ है और उसके मुंह से खून निकल रहा है और यहाँ पे भाई उसकी डेथ हो चुकी है। तो भाई गोजो की डेथ को देख के, ये सीन देख के मैं काफी इमोशनल हो गया था शुरू में। हाँ मुझे सुकुना थोड़ा ज्यादा पसंद है, पर भाई जो गोजो का कैरेक्टर था वो काफी लवेबल था, और भाई गोजो के कैरेक्टर ने ही इस भाई मांगा और इस फाइट को काफी इंटरेस्टिंग बनाया था। तो भाई प्लीज कमेंट में एक बार रिप गोजो लिख दो। हाँ मुझे पता है काफी लोग ये नहीं मानना चाह रहे होंगे और काफी लोग ये तक कह रहे होंगे कि गोजो नहीं मरा है, मे बी वो आगे जाके ठीक हो सकता है, और काफी लोग ये भी कह रहे होंगे कि अगर गोजो की यहाँ पे फाइनली डेथ हो गई तो भाई मैं जेजे के छोड़ दूंगा। तो भाई मेरा उनसे एक ही चीज कहना है, भाई तुम सबको भी पता था कि जो गोजो है वो भाई स्टोरी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, और भाई ऐसा गेगे ने खुद कहा है। तो भाई यहाँ पे गोजो की जो डेथ है वो थोड़ी जस्टिफाइड है, पर आखिर इसकी डेथ हुई कैसे वो यहाँ पे भाई हम चैप्टर में पहले देखते हैं, जहाँ पे भाई हम सुकुना को देखते हैं जो कि भाई वापस से उठ खड़ा हुआ था, और यहाँ पे भाई वो मोहरागा के अटैक के बारे में समझा रहा था कि आखिर मोहरागा अडेप्ट कैसे कर पाता है। जहाँ पे भाई मैंने आपको बताया था कि एक तो ऐसा सीन होता है कि मोहरागा पहले अटैक लेता है और उसको फिर थोड़ा टाइम लगता है उसको अडेप्ट करने के लिए, और दूसरा सीन ऐसा था कि मोहरागा मल्टीपल अटैक्स लेता है जिससे वो अडेप्ट कर पाता है। तो भाई यहाँ पे सुकुना समझाता है कि असल में दोनों ही चीज होती हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था, जैसे मोहरागा कोई अटैक पड़ता है तो वो धीरे धीरे तो उसको अडेप्ट करने लगता है, पर जैसे उसको सेम अटैक के मल्टीपल अटैक्स पड़ते हैं तो भाई और तेज उसको अडेप्ट करने लग जाता है। जहाँ पे भाई सुकुना कहता है कि जो मोहरागा था वो गोजो के इन्फिनिटी को अडेप्ट कर रहा था, और भाई यहाँ पे ये भी समझाता है कि इन्फिनिटी को अडेप्ट करने का मतलब होता क्या है। यहाँ पे वो एक कहता है कि जो इन्फिनिटी को अडेप्ट करने का सीन है वो ऐसा था कि जहाँ पे मोहरागा अपनी जो कर्स एनर्जी है उसको चेंज कर रहा था, जिससे भाई जो गोजो की इन्फिनिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। यहाँ पे भाई सुकुना एक और चीज कहता है कि जो मोहरागा ने गोजो के ऊपर स्लैश अटैक यूज किया था वो सुकुना से थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि हमें लग रहा था कि वो सुकुना का डिस्मेंटल है। अब भाई यहाँ पे मुझे कंफर्म नहीं है कि सुकुना उसी अटैक की बात कर रहा है या फिर किसी ऐसे अटैक की बात कर रहा है जिसने भाई गोजो को मार दिया, क्योंकि भाई हमें तो ऐसा लग रहा था कि जो मोहरागा है वो मर चुका है, तो क्या अभी भी वो जिंदा है, या फिर यहाँ पे सुकुना उसी पहले वाले अटैक की बात कर रहा है, क्योंकि भाई उस पहले वाले अटैक ने भी गोजो के हाथ को काट दिया था। तो यहाँ पे सुकुना उस अटैक को लेकर एक शॉकिंग बात कहता है, वो कहता है कि भाई ये अटैक बस गोजो के लिए नहीं था, बल्कि ये अटैक असल में स्पेस को काट रहा था, यानी कि स्पेस और पूरे वर्ल्ड को ये अटैक काट सकता था। यानी कि भाई वो जो स्लैश अटैक था वो गोजो के लिए नहीं था बल्कि स्पेस को काटने के लिए था, और भाई हमें पता है कि जो गोजो का लिमिटलेस है वो भाई स्पेस के अकॉर्डिंग वर्क करता है, यानी कि भाई गोजो स्पेस को कंट्रोल कर सकता है कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन को यूज करके। तो भाई यहाँ पे सुकुना ने असल में इन्फिनिटी को नहीं तोड़ा बल्कि स्पेस को ही काट दिया, जिससे भाई इन्फिनिटी भी कट गई। जिसके बाद भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि सुकुना गोजो के आगे खड़ा हुआ था, और भाई यहाँ पे गोजो बीच से कट चुका था और उसकी आधी बॉडी जमीन में पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे सुकुना थोड़ा हंस रहा होता है और गोजो को कहता है, तूने बहुत अच्छी फाइट करी सातोरू गोजो, मैं तुझे हमेशा के लिए याद रखूंगा। और भाई ये सुकुना की विनिंग स्माइल थी, यानी कि भाई सुकुना वर्सेस गोजो की जो बैटल है वो खत्म हो चुकी है, जिसका विनर है सुकुना। और अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या पता गोजो वापस से जिंदा हो सकता है, कोई भाई रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके उसको वापस से जिंदा कर सकता है, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे वापस गोजो जिंदा हो जाए। पर भाई जहां तक मुझे लगता है ये काफी मुश्किल है, क्योंकि भाई गोजो को स्टोरी से हटाना ही था गेगे को। तो भाई क्या आपको लगता है गोजो का मरना यहाँ पे सही था? क्या गोजो सही में ऑनर्ड वन है? क्या सुकुना सही में फ्रॉड है? और क्या सुकुना के फैंस अब उसको गोजो से ऊपर कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उसने गोजो को हरा दिया है? तो क्या सुकुना के ऊपर से फ्रॉड का टाइटल हट जाएगा, या फिर अभी भी लोग उसको फ्रॉड कहेंगे क्योंकि उसने मेगुमी की कर्स टेक्निक को यूज किया था? जिसके बाद भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी भाई सुकुना के साथ फाइट खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना थंडर गॉड जिसका नाम है हाजिमे काशिमो, यहाँ पे भाई वो आ गया है सुकुना से फाइट करने। और भाई अगले कुछ चैप्टर्स में हम भाई काशिमो वर्सेस सुकुना की फाइट देखेंगे,
जहाँ पे भाई सबको पता है कि काशिमो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आखिर इस फाइट का क्या अंजाम होने वाला है, ये सब देखने के लिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो।